मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रादर गुड आफ्टरनून। टुडे मैंने थोड़ा काम करके किछुटा हाथे काज गुछिए तारपरे आपनादेर संगे आजके कथा बोलछि। ओ डाल दिए ओ ओ ओ मी एंड एज यूजुअल इन माय ब्लू स्वेटर। थोड़ा काम में इजी रहता है सॉफ्ट कपड़ों में से ना। स्वेटर बाद में वो करूंगी, यहाँ पे अभी ठंड है। आटा गूंद लिया, आलू बॉईल होने रख दी और मेरा अभी काम है दाल बैठा दी हूँ। ठीक है, आज सोच रही हूँ आलू का चौखा बनाऊ, दाल बना और आलू परोठा हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं आप लोग? थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी बना रही हूँ। ये देखो आलू की चौखा, इसमें सूखा मिर्च वगैरह डालू, ये मेरा बॉईल डालू है, इसमें डाल दूंगी ऐसे करके इस तरह से बनाऊंगी। और ये बन रहा है दाल के चौक, इसमें है 5 फोरन एंड सूखा मिर्च, बी लीव्स और ये है दाल। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में बना रही हूँ, इसको भी चौंक दे दूंगी। इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर ऊपर से दे दूंगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पिंच ऑफ शुगर स्वाद अनुसार। ठीक है, अब मैं बना रही हूँ सिंपल सिंपल टिफिन के लिए कुछ आलू की परोठी। मैं अपनी स्टाइल में बना रही हूँ, स्टाइल मतलब स्टाइल ही नहीं है, क्या बोले हिंदी में, क्या बोले, अपने पद्धति से बना रही हूँ। बंगाली में पद्धति बोले, अपने मेथड। ये मेरे इधर आलू है, इधर मैश किया हुआ आलू है, तो आलू इसमें डाल दूंगी और फटाफट बना दूंगी सिंपल सिंपल आलू की परोठी, है ना। देखो तो जो घर में है उसी में बनाना है। मेरे पास अभी जो घर में है ना उसमें कोशिश करके कुछ कुछ बना लो। मेरे पास अभी सिर्फ भिंडी पड़ा हुआ है और बस आलू है। आलू में यूजुअली यूज नहीं करती हूँ मैं, कभी कभी यूज करती हूँ। देखो मैं बेलन उधर नहीं करूँ, एक्चुअली मुझे बेलने में बोर है। आलू मैं कभी कभी यूज करती हूँ जब सब्जी ऑलमोस्ट कम हो गया। इसको झाड़ लो थोड़ा आटा ऐसे ऐसे करके एंड देन बस ऑन द आवाज आई ऑन द पैन जिसमें आप फ्राई करोगे। और ये बन गया मेरा सिंपल सिंपल आलू की परोठी, टिफिन के लिए ये सही है शाम को, है ना। एक ही आलू से कुछ कुछ बना दो, आलू का भरता बना दो, आलू का परोठी बना दो, दाल बना दो, हो गया छुट्टी, काम कंप्लीट। इस तरह से संसार चलाती हूँ यार, हंस खेल के ही चलाना होता है। और आज का सिंपल सिंपल खाना मूंग की दाल, आलू की चौखा एंड दिस इज आलू परोठा, है ना, हो गया। बाहर क्लाउड्स देखो कितना अच्छा हौसा है, चारों तरफ बच्चे यहाँ पे चिर पचर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एग्जाम्स हो गया ना अभी सब मस्ती कर रहे हैं। ये देखो क्लाउड सुपर बढ़िया लग रहा है ना। और चलो मैं थोड़ा सा ना अब लंच कर लेती हूँ, अभी तक लंच नहीं हुआ है आज। एक चीज बताऊं, करेले की सब्जी ना अगर आप बना के रख दोगे तो 2-3 दिन चलेगा। यहाँ पे कुछ खास चीज नहीं है, ऐसे मिट्टी के छोटे छोटे बोलते हैं ना कलेक्शंस, लेकिन रखो तो ना तो सजा के अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ से एक चीज लेने आई थी, मुझे याद आया ये बात कि अगर आप सिंपल सिंपल टिप्स मतलब खुद हम सबको पता है बट इफ वी कैन एक्चुअली रिमेम्बर देम इट इज गुड फॉर हेल्थ। करेला अगर फ्राई करके जिनसे मतलब टाइम नहीं हो रहा है, रोज बनाना अच्छा नहीं लगता है, 1 चम्मच करेला रोज खा लो, वो भी शरीर के लिए अच्छा होता है। एनीवे मैं बोल रही हूँ, मैं भी ये चीज इतना फॉलो नहीं कर पाती हूँ, बट प्लीज ट्राई एंड डू दैट। ये कितना सुंदर है ना, यू नो
मैं सच बताऊं, दिस कॉस्ट टुक मी जस्ट 50 रुपीज, बट द थिंग इज सो ब्यूटीफुल. दिस इज आर्ट वर्क एंड ताम्रलिपि में. दिस इज ताल के पत्ते में. दे हैड यू नो वो केमिकली ट्रीटेड द कलर्स एंड पेंटेड दिस. इसी तरह से पहले जमाने में किताब लिखा जाता था. है बहुत सुंदर ना. अनदर टिप ऑफ द डे, मसाला सब घर में रखो. सब्जी कुछ भी बना सकते हो, मसाला इतना खर्चा नहीं होता है. कम अमाउंट में मतलब मसाला कम कम लगता है, ठीक है, और कम अमाउंट में आप चला सकते हो, बिकॉज मसाला इज समथिंग विच यू डोंट नीड इन लार्ज क्वांटिटी. और उससे अगर आप चला लोगे घर, तो टुक 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 करके घर डिफरेंट टेस्ट में चलता है, मतलब डिफरेंट टेस्ट में खाना आप टेबल में रख सकते हो. सो दीज आर द स्मॉल टिप्स, छोटे छोटे टिप्स. हम भी सीख के ही बड़े हुए. हम देखना, हमारे पेरेंट्स बड़े बड़े जो हैं, जो अच्छे खाना बनाते हैं, उनके पास बेसिक मसाला सब कुछ है. अनदर टिप ऑफ द डे, ये मेरे पर्सनल व्यू है, किसी के मतलब मन दुखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ. अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे खाना खाओ, लेकिन अगर आपके पास मतलब होता है ना कि कौन सा चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सच बता रही हूँ, खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हेल्दी खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, कपड़े भी स्टाइलिश पहनो. लेकिन बहुत सारी आप देखना, मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे डिजाइन आप थोड़े कपड़े में भी कर सकते हो. इट इज समथिंग यू नो, आजकल के ये जो क्या बोलते हैं, बोहो स्टाइल, ये वो, डिफरेंट स्टाइल्स में आप कपड़े को, एक ही कपड़े को डिफरेंट वे से पहन सकते हो. इस तरह से आप ना बहुत जगह पे मैनेज कर सकते हो. मैनेज इज द राइट वर्ड. तो इस तरह से मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में बोलते हैं ना सब मैनेज करना ही वो इज द वर्ड, देर इज नो अदर वर्ड फॉर इट. तो स्मूथली चलाना ये सब आना चाहिए. तो ये आता है, सबको आता है, मैं सिर्फ याद करवा रही हूँ. फ्रेंड हूँ ना, तो काम हो गया आज, मैं ना कंप्लीट कर रही. ठीक है, कल फिर बातें करेंगे. लव यू ऑल माई फ्रेंड्स. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज लाइक माई चैनल, एंड प्लीज डू रिंग द टिंग 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 वाला बटन. एंड छोटे छोटे टिप्स याद करने से होता है ना, एक दूसरे से कनेक्ट भी हो जाता है, एक दूसरे से अप्रिशिएट भी होता है एक दूसरे के बाद, और याद भी रह जाता है कि ओके, दिस वे वी कैन डू इट.